पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल ने कांग्रेस पार्टी का चुनाव प्रक्रिया को लेकर दिए जा रहे बयानों को बिना वजह बौखलाहट में बयान देना करार दिया है। हमीरपुर में पत्रकार वार्ता के दौरान प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि कांग्रेस हमेशा से ऐसा करती आई है, जिस संस्था का निर्णय पसंद नहीं आता है वहां पर अड़ंगा अड़ाती आई है। उन्होंने कहा कि जब चुनाव परिणाम कांग्रेस के पक्ष में आए तो चुनाव आयोग ईमानदार होता है, लेकिन परिणाम खराब आए तो कांग्रेस शोर करने लग जाती है। प्रदेश की चारों सीटों को जीतना स्वाभिमान और इज्जत का संवाल बना हुआ है। धूमल ने कहा कि सारे प्रदेश की चारों सीटों में बीजेपी जीत हासिल करने के लिए काम किया जा रहा है। धूमल ने कहा कि मोदी को दोबारा से पीएम बनाने के लिए प्रदेश की जनता बीजेपी को भारी समर्थन देगी। बंगाल में बीजेपी के काफिले पर हुए हमले पर धूमल ने कहा कि मरने मारने की लड़ाई बॉर्डर पर होती है और राष्ट्रीय अध्यक्ष के काफिले पर किए गए हमले की निंदा करते हैं। उन्होंने आशा की है कि आगे से कोई राजनीतिक पार्टी ऐसा काम नहीं करेगी। धूमल ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस हारने वाली है, इसलिए रणनीति बनाने में जुटी है कि हारने के बाद बयान क्या देने हैं। इसलिए कांग्रेस इस बार फिर कहेगी कि मोदी का जादू चल गया है और ईवीएम में गड़बड़ी की गई है। लोकसभा चुनावों को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के लिए हमीरपुर पुलिस ने कमर कस ली है और मतदान तिथि के दिन ड्यूटी सही ढंग से निभाने के लिए प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के दौरान एसपी हमीरपुर अजित सेन ने पुलिस लाइन मैदान में शिरकत की और पुलिस जवानों को दिशा निर्देश दिए। एसपी अजित सेन ने पुलिस जवानों को मतदान वाले कोई भी कोताही सहन नहीं करने की बात कही। साथ ही एसपी ने प्रशिक्षण शिविर में देरी से पहुंचने वाले पुलिस जवानों से भी जवाब तलब किया। एसपी अजित सेन ने कहा कि मतदान प्रक्रिया को शांतिपूर्ण ढंग से पूरा करवाने के लिए पुलिस जवानों की ड्यूटियां लगाई गई हैं, जिसके तहत ही आज पुलिस जवानों को दिशा निर्देश दिए गए हैं ताकि मतदान वाले दिन पुलिस की भूमिका बढ़िया से निभाई जा सके। उन्होंने बताया कि जिला के सभी पुलिस थाना अधिकारी भी मतदान वाले दिन ड्यूटी पर तैनात रहेंगे और पेट्रोलिंग गाड़ियां भी पूरे क्षेत्र में सक्रिय रहेंगी ताकि अप्रिय घटना को रोका जा सके। पंजाब के वरिष्ठ भाजपा नेता पूर्व नगर कौंसिल अध्यक्ष नंगल डैम व भाजपा मंडल के अध्यक्ष राजेश चौधरी ने जमकर कांग्रेस पर जुबानी हमला बोला है। राजेश चौधरी ने कहा कि मनीष तिवारी को कांग्रेस यूपी से लेकर आई है, लेकिन मनीष तिवारी पहले ही लुधियाना से पूरी तरह से फेल हो चुके हैं और इस बार भी पंजाब की जनता उनको पूरी तरह से नकारेगी। राजेश चौधरी ने कहा कि गुरु गोविंद सिंह की धरती से आनंदपुर साहब से भाजपा और अकाली उम्मीदवार चंदू माजरा पहले भी सांसद रहे हैं और अब फिर सांसद बनने जा रहे हैं। मोदी लहर का भाजपा प्रत्याशियों को पूरा लाभ मिल रहा है और मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार पंजाब में झूठ बोलकर बनी है और इस बार इनका झूठ नहीं चलेगा और पंजाब में भाजपा और अकाली गठबंधन ज्यादा सीटें जीतकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ मजबूत करेंगे। कांग्रेस के स्टार चुनाव प्रचारक नवजोत सिंह सिद्धू के द्वारा आयोजित की गई रैली को बिलासपुर सदर के विधायक सुभाष ठाकुर ने हिमाचल की संस्कृति पर कुठाराघात बताते हुए कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू कुछ भी नहीं है, ना तो वह नेता है और ना ही कलाकार है। नवजोत सिंह सिद्धू सहित पूर्व सांसद सुरेश चंदेल को चले हुए कारतूस बताया। उन्होंने जिस अमर्यादित
भाषा का देश के प्रधानमंत्री की बेबुनियाद आलोचना करने के लिए असभ्य भाषा का प्रयोग किया है, उससे जिला बिलासपुर अपमानित हुआ है। कांग्रेस की ये रैली फ्लॉप शो सिद्ध हुई है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पर प्रदेश स्तर से जिला स्तर तक दो धड़ों में बंटने का आरोप लगाते हुए कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह से लेकर जिला स्तर पर कांग्रेस दो खेमे में बंटी हुई है। अगर कांग्रेस दो खेमों में नहीं बनी हुई है तो कांग्रेस स्पष्ट करे कि कांग्रेस का जिलाध्यक्ष चुनावों के समय में कहां गायब हो गया है। इसके अलावा उन्होंने ऐलान किया कि हमीरपुर संसदीय चुनाव क्षेत्र से हिमाचल में भाजपा चारों सीटों पर भगवा लहराएगी। प्रदेश की जनता ने एक बार पुनः नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का मन बना लिया है।